ये कहना कि जी हम वो फ्रांस की एम्बेसी के साथ अपने ताल्लुक खत्म कर देंगे अपना सफीर वापस बुला लेंगे उनका सफीर वापस भेज देंगे कितने अर्से के लिए वो कहते हैं जनाब फ्रांस की मसनवात का बाइकाट कर देंगे कितने अर्से के लिए वो भी आप पाबंदियां लगा सकते हैं और सबसे बड़ी बात फ्रांस के अंदर पांच मिलियन मुसलमान है पांच मिलियन पचास लाख अगर वो ये कहेंगे आप यहां से निकल जाओ और बड़ी अजीब बात है कि फ्रांस के अंदर बैठे हुए लोग पोस्टर लगा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं वापस अपने मुल्क वापस आते हो यहां जिन उलमा को आप वहां से पैसे भेज रहे हो यूरोस भेज रहे हो डॉलर्स भेज रहे हो पाउंड्स भेज रहे हो इन्होंने कभी तुम्हें कहा कि फ्रांस छोड़ के इधर आ जाओ इसको आपने जज्बात की बजाय ना इलमी तरीके से देखना है हाँ आप इसको उठाएं इंटरनेशनल फोरम के ऊपर और उनको बताएं कि ये जो कुछ आप शख्सियात की बेहतरामी करते हैं सिर्फ नबी इस्लाम की नहीं किसी भी पैगम्बर की या किसी भी रिलीजन के रहनुमा की गुस्ताखी करना उसके लिए तोहन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करना ये गलत है अगर आप सिंगल आउट मुसलमानों का मुकदमा पेश करेंगे तो वो फिर नहीं एक्सेप्टेबल होगा सीधी सी बात है उनके मोटे दिमाग में ये बातें समझ नहीं आती तो इस तरीके से प्रोटेस्ट करने से अपने बैंकों को आग लगाने से अपनी अमलाद को नुकसान पहुँचाने से अपने मुल्क में हड़तालें करने से इस हवाले से कि लोगों जो है वो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाए और आप देखते हैं ट्रैफिक क्या ब्लॉक होती है कितने मरीज़ हैं यार मैंने वीडियोस देखी हैं उन बेचारों को ड्रिपें लगी हैं और टैक्सियों में दो दो घंटे से बैठे हुए हैं उनके लिए मतलब सड़क पर रास्ता नहीं और इसमें पहले नंबर पर हुकूमत वक्त मुजरिम है उनका काम है कि इनको प्रोटेस्ट करने के लिए मखसूस जगह दें ताकि वो रोड्स को ब्लॉक ना करें ये जगह भी नहीं देते और उल्टा हर एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए रोड्स को ख़ुद ब्लॉक करवाते हैं लंबे और मजहबी लोगों को, को गालियां निकालते हैं हालांकि लोगों का नहीं होता है तो, तो आप उनको करने दे। एक कंट्रोल इन्वायरमेंट दे दें अम्बेसी तक भी चले जाते हैं हमारे ये धरने वाले तो इनको क्या तकलीफ थी हां आप उनको कहते फोरम बना लो पचास उलमा का सौ उलमा का हम उनको खुद अम्बेसी के सामने खड़ा कर देते हैं वो अपनी जो है ना लिख के उनके खिलाफ करारदाद या प्ले कार्ड उठाने वहाँ पर कर लें जहरा इतने बड़े मॉब को हजारों के तो गवर्नमेंट किस तरह अलाउ करेगी कि, कि जाके जनाब अम्बेसी के बाहर दें उसमें से एक बंदा भी अगर शरारती हुआ तो आपने 2014 के धनों में नहीं देखा पीटीवी के साथ क्या किया है? वो तो फ्रांस की अम्बेसी नहीं थी आज तक वो केसेस चल रहे हैं तो हमारी वाम तो जज्बाती है कोई एक आध बंदा ही होता है वो जब शुरू करता है ना पीछे सारे लाख पड़ते हैं तो गवर्नमेंट अपनी जगह बिल्कुल जस्टिफाई है तो वह फिर सिर्फ फ्रांस की अम्बैसी को आग नहीं लगनी थी बाकी सारी अम्बैसियाँ भी जल जानी थी और सारा नुकसान ओवरऑल मुल्क का होना था इमिज लादा से तो ये बड़े सोच समझ के करने वाले फैसले हैं